सुनैनी डूब जाए, इधर जगह भी बड़ी अच्छी है, मौज मस्ती है इनकी, खतरनाक है ना। पेपर की बात हो, गाना सुनाऊंगा मैं पक्का। So, hey, good morning and welcome back to the channel, और राम राम सभी को। तो guys, आज जैसा कि हमारा लास्ट एग्जाम और लास्ट एग्जाम वाले दिन मैं आपको फुल प्रॉपर यूनिफॉर्म में दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर जैकेट डाल लिया था, हाथ में जैकेट निकाल दिया और पीछे खड़ी है हमारी धनो, तो इसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी राइड करेंगे। तो अभी जैसा कि टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और 11:30 बजे हमारा एग्जाम स्टार्ट है। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, तो चलो जल्दी से निकलते हैं। और अभी हम सबसे पहले जाने वाले अपने दोस्त के घर, क्योंकि हम साथ में जाएंगे। मैं बता बता के थक गया हूँ, आप सब भी सुन के थक गए होंगे, तो चलो चलते हैं। खाना वाना सब खा के फर्स्ट क्लास रेडी हो गए, चलो। सो गाइस, जैसा कि आप आज धूप देख सकते हो, और मतलब दो दिन से हमारे जम्मू में बारिश हो रही थी और 6 तारीख तक मतलब बारिश ही बता के रखी है, लेकिन आज धूप निकल गई हमारे पेपर वाले दिन, तो बहुत अच्छी बात है। और आज है हमारा संडे को एग्जाम, मतलब समझ लो डे शीट बनाने वालों को भी दिन देख के रखना चाहिए, आज संडे को एग्जाम रख दिया। तो चलो चलते हैं जल्दी से, लेट बहुत ज़्यादा हो गए और धूप बड़ी अच्छी निकली आज, बारिश नहीं हुई, अच्छी बात है। और गाइस, मानो या ना मानो, एग्जाम देने का मतलब तभी है जब आपको एग्जाम में कुछ नहीं आता। और आज का एग्जाम मतलब 9 दिन की छुट्टियां थी, और 9 दिन में आपके भाई ने मतलब इतना सा भी कहते हैं ना, इतना सा भी नहीं पढ़ा, और आज टेंशन बहुत ज़्यादा एग्जाम की। तो चलो देखते हैं, गॉड नोस कि क्या होगा। और हीरो ठीक है, सुना नहीं किधर है? देखिए गाइस, इसकी सिक्स्थ है, ये तो अपनी सुबह है। राजेश्वर बोल रहा, ठीक है, देखो ब्लॉग बनाने में इतना माहिर है कि हाथ मिलाना भी भूल गया। गंदा है पर धंधा है। अरे नहीं यार, आज फुल डाल के आया आपका। सुना नहीं, रवि साल है, क्या हाल है? तो मैं पब्लिक से पूछ रहा था, पहचाना इसको? मुझे कैसे पहचानेंगे, पहचानने वाले बंदे इधर है ना। ओहो अच्छा ठीक है यार, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? नाम ही नहीं पता, इतना छोटा चैनल है मेरा, है ना। अरे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखो, बड़े बड़े अक्षरों। सही है, लिख देना, पढ़ भी लेना, कुछ कर देना। क्या बोला तूने? ओए गाइस, हमारे स्कूल में कोई बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ना, यही है, यही शख्सियत है ना। आप क्या कहना चाहोगे शख्सियत के बारे में? नाइस जोक। सुनैनी कुछ तो बोल, जाने यार। लास्ट पेपर होती है, कैसा लग रहा है? मजाक कर लेते हैं, खुशी हो रही होगी ना बच्चे को कि लास्ट पेपर है ना? खुशी हो रही है। हो रही है कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब हमारे सुनैनी जी शब्दों में बयान ही कर सकते है, ये खुशी है ना। पेपर के बाद गाना सुनाऊंगा पक्का। कौन सा? छह सही है, तेरे जैसे वाले गाने थोड़ी गाओगे। ओह चला, मेरे जैसे नहीं आएगा। और नहीं आया कोई? अबे साले मैं आ गया हूँ ना, तो किसी की जरूरत है तेरे को इधर? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। और क्या, आज पूछे लाया तू? आज तो पता ना कि कुछ नहीं लाया, पूछे नहीं लेके आया हमारा, लाया होगा। अच्छा ऑफ कैमरा बताते हैं, कार्टून लाया। सुनैनी नहीं, वो देखो साइड से निकल रही है, मेरे सामने गाइड फाड़ी है मेरे सामने से। क्या क्या कह सकते हैं यार, ये अभी पेपर भी फाड़ देगा, इतना प्रो चीटर। तमीज नहीं है आजकल, है ना, मतलब हाल ही कुछ ऐसा हो गया। आप कुछ कहना चाहते हो? तो हमारे प्रिय दर्शकों, यहाँ पे जो सज्जन बैठे हैं, इन्होंने कुछ छात्रों को गुरु दक्षिणा देते हुए, अर्थात मेरा तात्पर्य ये है कि गाइड फाटते हुए देख लिया था, तो अभी हम उनका रिएक्शन लेने पहुंच गए। आप आगे देखिए। तमीज नहीं है आजकल, है ना, मतलब हाल ही कुछ ऐसा हो गया। आप कुछ कहना चाहते हो? मौज मस्ती है इनकी, खतरनाक है। टेक्निक चाहिए होते है इसके लिए, है ना, टेक्निक बड़ी है। हेलो बोलना चाहोगे आज कुछ? बोल दो यार, आज का पेपर बड़ा आसान है। आज का पेपर आसान है, बगल वाले को पूछ। कैसा है बगल वाले? नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ब्लॉग बना रहा है, इधर मत आना। बस हवा निकल गई। हाँ नहीं निकल रही, पेपर रील बनाएगा ना? कौन सुना, तू रील भी बनाता है? मैं सुना तू टिकटॉक बनाता है। अबे वो बनाएगा, अभी आएगा। सुना नहीं, तेरा तो पूरा मतलब पूरी जायदाद ही टिकटॉक थी, है ना, चली गई।
क्यों हिला डाला ना? क्या कर रहा है? शिवा रुक जा। रुक इधर देख। तो बता वीडियो में गलत लग रहा है? तो सुने नहीं, बेस्ट ऑफ लक। तो चलो अब हम जा रहे पेपर देने। पेपर देने के बाद मिलते हैं ना सुनैनी। चलो गाइस पेपर के बाद मिलते हैं। 3 hours later ये देखो काउंटर ब्लॉगिंग चल रही है इधर। ओए क्या सीन है तेरा? सीन है कि बहुत बेकार पेपर हुआ। बहुत बेकार गाइस आज का पेपर ना, सबसे बेकार था। मैं कह रहा हूँ जिसने भी पेपर बनाया ना, सबसे बेकार बनाया है ना। ओए मतलब ये हैंडपंप ना गांव वाली साइड देखने को मिलेंगे। ओए ओ, ओए पानी चला साले, प्यास से मेरे डूबने का मन कर रहा यार। शाबाश बेटा। सुनैनी डूब जाए, इधर जगह भी बड़ी अच्छी है। सुनैनी तेरी नजर लगी साले। ओ मेरी, मुझे तेरी लग। ओए आप बनाना साले। क्या कर रहा है? मुझे डूबने का मन कर रहा है। पानी चला। सुनैनी जी ये अमृत ग्रहण करते हुए। ओह कम से कम 20 में से मैंने 16 तो ले जा रहा है। मतलब 20 नंबर का पेपर करके आए सुनैनी जी, 100 में से इतना बड़ा तीर मार के आए हैं, है ना। बाकी सब छोड़ डालू खिला रहे थे। कौन सुनैनी खिलाएगा कुछ? तो याद है ना कि खिलाएगा? देखो याद है ना कुछ देना तो। मैं खिला रहा हूँ। मेरे चल आ जा फिर, रुक जाते हैं। तो गाइस अगर आपको पता है कि हैप्पी बर्थडे को विश कैसे कहते हैं, ये देखो इस बंदे का आज बर्थडे है। ओए तुम सबने किसी ने हैप्पी बर्थडे बोला? नहीं नहीं, साथ में हैप्पी बर्थडे है। पता ही नहीं यार, चलो पार्टी देने चलते हैं। ओए बंद कर ना, पार्टी किधर है? पूछ पा रहा है कि पार्टी करने देने के लिए पूछ पा रहा है। टेढ़ा नशा। तो गाइस अभी जैसा कि हम ऑटो रिक्शा में बैठ चुके हैं और ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है। ओए कैसा होता तेरा बता? कैसा होना तो वैसे ही हुआ। अच्छा हुआ। अब जैसा होना तो वैसे ही होगा। मतलब अब रिजल्ट डिसाइड करेगा। दो क्वेश्चन आते थे इस पूरे पेपर में, अब लगा लो हिसाब। ओए तेरा कैसा हुआ? भगवान भरोसे। भगवान भरोसे तेरा? एक क्वेश्चन था वो भी भूल गया। सबका एक ही हाल था। मतलब इतना बेकार पेपर आया था ना, इससे बेकार पेपर अभी तक देखा। 4 पेपर काफी ज्यादा अच्छे आए हुए थे। चलो अब जैसा भी करके आगे पूरा ही किया, अब अपने से ही बनाया सारा, देखते हैं क्या सीन बनता है। ये सच्चा इंसान लास्ट तक रुका हुआ था। सुना नहीं गया है? वो पीछे रह गया और मेरे को कहने लग पड़ा कि तू जा। है कह रहा तू जा? हाँ कह रहा है, उसने टाइम लगाना है टिकटॉकर ने। चल कोई नहीं, आ गया। अभी हम छोटी सी गली में निकल चुके हैं, है ना विजय? कितनी छोटी है ये? समझा दिया, कुछ नहीं कह सकते इसे। अब एडिट करते टाइम ही पता लगेगा। देखो गाइस चलो चलते, काफी ज्यादा थक गए, अब घर पहुंच के रेस्ट करेंगे थोड़ी। जिसको हम लात मार के निकलते थे हर बार। सो गाइस तो नेक्स्ट डे सेम वीडियो, और आप जैसा कि मेरा हेयर कट देख सकते हो, और मैंने अपने पूरे बाल छोटे छोटे करवा लिए, क्योंकि घर वाले कह रहे कि बड़े बाल नहीं रखने, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। मैंने कहा चलो करवा लेते हैं, और ये देखो इतने छोटे छोटे कर दिए। काटने वाले को मैंने कुछ और बताया था करके, कुछ और आ गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आज के ब्लॉग में बस इतने रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखना, हम निकलने वाले हैं बहुत अच्छी सी जगह पर जम्मू की, तो वो आप देखना नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ऐसे किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।